तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि HTML कोर्स सीरीज चल रही है, आज है डे 27। आज के दिन हम लोग सीखने वाले जनाब आइडियो टैग के बारे में। आइडियो टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, HTML के अंदर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लस आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए खोल लेते हैं SPC के कोड एडिटर को, और आप VS कोड एडिटर अगर चाहें तो लैपटॉप में खोल सकते हैं, वहाँ पर भी सेम कोडिंग होगी। HTML जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वही वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये भी HTML की बॉयलर प्लेट खुली हुई है। सारी कोडिंग हम लोग बॉडी टैग में करते हैं बीच में। ये बॉयलर प्लेट इसलिए ओपन होती है कि इनिशियल कोड इसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने ये पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि ये बॉयलर प्लेट क्यों ओपन हुई है। आप कोर्स की स्टार्टिंग को देख सकते हो अगर आप नए जुड़े हो। या index.html फाइल ओपन हुई है। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे आइडियो टैग के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि आइडियो टैग जो होता है ये आपका क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइडियो टैग अगर आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आप गाने अपलोड करते हो, सॉन्ग्स वगैरह, या फिर आप यूट्यूबर्स के लिए नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मतलब NCS म्यूजिक अपलोड करते हो, तब आप यूज़ कर सकते हो। आपकी पर्सनल कोई आपकी आवाज़ है, आप खुद कुछ गाने गाते हो, कोई सिंगिंग करते हो तो आप अपलोड कर सकते हो, किसी का इंटरव्यू वगैरह लिया है तो आप अपलोड कर सकते हो। तो कुल मिला के जहाँ पर भी आवाज़ अपलोड करनी हो वहाँ पे आइडियो टैग आपका काम में आता है, ठीक है। तो सेम आइडियो टैग आपका वीडियो टैग की तरीके काम करता है, जो मैंने कल आपको बताया था वीडियो टैग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ओपन करना होगा एंगुलर ब्रैकेट और आइडियो लिखेंगे इस तरीके, ठीक है। अब जो टैग ओपन हुआ है वो क्लोज भी होगा, आपको इतना चीज़ें तो पता है। तो बैक स्लैश लगाया और ये क्लोज हो गया। तो ऊपर ओपन टैग, नीचे क्लोज टैग। अब इसके बीच में एक टैग और ओपन होगा, सोर्स टैग, ठीक है। तो सोर्स SORC सोर्स टैग। अब सोर्स टैग इतना हो गया। अब इसके बाद में एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा जिसका नाम है SRC, ठीक है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो टैग के साथ यूज़ किए जाते हैं, वो सब आपको मैं यहाँ पे समझा दूँगा। आपको हर चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है तो वो हमेशा मैं देता हूँ। SRC एट्रीब्यूट ओपन किया। अब आपको अगर वीडियो टैग आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आप इस तरीके देख रहे हो, इसके बीच में आपको लोकेशन देनी होती है उस गाने की। मतलब अगर आइडियो टैग है तो आपको आइडियो की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वीडियो टैग है तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इन्फॉर्मेशन क्या देनी होती है कि वो म्यूज़िक कहाँ पर है। तो अगर आप मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर आप किसी म्यूज़िक को रखे हो, मान लीजिए ये कोई फोल्डर है उसके अंदर म्यूज़िक रखे हो, तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर का नाम लिखना होता है, ठीक है। फिर बैक स्लैश लगाना है, फिर उस म्यूज़िक का नाम लिखना है, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको एक म्यूज़िक की ज़रूरत होगी, तो उसको आपको उसी फोल्डर के अंदर रखना है जिसमें आप index.html रखे हो अगर VS कोड इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पे SPC के कोड एडिटर में आपको ये 3 डॉट क्लिक करना है, इंपोर्ट फाइल पे जाना है और आपको यहाँ पे एक साउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला साउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, इसको रीनेम करके छोटा कर लूँगा। छोटा इसलिए किया जाता है कि लिखने में आसानी हो, उसकी लोकेशन जो हम लोग देंगे वो आसानी से देंगे। तो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो इतना छोटा सा नाम दे दूँगा। अब ये देखिए ये जो .mp3 है इसका ये फाइल टाइप है, ये बताती है कि ये जो फाइल है ये MP3 फाइल है, ठीक है। ऐसे ही दो और होती हैं, एक आपकी वेव करके होती है, एक होती OGG, ठीक है। पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, आपने जितने भी अभी तक म्यूज़िक आइडियो देखी होंगी वो MP3 में ही देखी होंगी, बहुत ही कोई गिनी चुनी होगी जो वेव और OGG में होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्राउज़र जिसका सपोर्ट करता है वो MP3 का ही करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इसको छोटा कर लिया। अब ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, अगर ये फोल्डर के अंदर होती तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर का नाम लिखना होता। मान लीजिए कोई आइडियो नाम का फोल्डर है तो आपको आइडियो नाम का फोल्डर का नाम लिखना है, फिर ऐसे बैक स्लैश लगाना है, फिर आपको ये जो म्यूज़िक का नाम है सेम टू सेम ये लिख देना है। म्यूज़िक का नाम क्या है, background.mp3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ऐसे लिख देना है background.mp3, ठीक है। आप कहोगे भाई यहाँ पे आइडियो और बैक स्लैश क्यों लगाया है, कोई फोल्डर के अंदर तो है नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग हटा देंगे। जब आप किसी फोल्डर के अंदर इस म्यूज़िक को रखे हों तब आपको फोल्डर का नाम लिख के पहले फोल्डर का नाम, ठीक है, फिर बैक स्लैश, फिर आपका ये म्यूज़िक का पूरा नाम, ठीक है, इस तरीके लिखना है। चलिए अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, background.mp3 हम लोग ने लिख दिया है। अब क्या इसको रन करेंगे तो ये प्ले होगा, तो अभी कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अब आपको मैंने अभी पहले SRC एट्रीब्यूट बताया, अब एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप।
अब टाइप एट्रीब्यूट भी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइप एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर क्या बताना है, तो ये फाइल टाइप जो है ये किस टाइप की फाइल है, ये हमको ब्राउज़र को बताना होता है। तो ये हमारी जो फाइल है ये आइडियो फाइल है, ठीक है, इतना तो आप जानते हो। तो हम लोगों को आइडियो लिखना है, फिर बैक स्पेस लगाना है, फिर ये किस टाइप की है, तो ये MP3 है, तो फिर आपको MP3 लिखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखनी होती है। अगर यहाँ पर हम लोग वीडियो यूज़ कर रहे होते तो आइडियो की जगह हम लोग वीडियो लिखते हैं, ठीक है। आइडियो बैक स्लैश MP3 इतना लिख दिया, आप क्या रन करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी भी नहीं आया, कहोगे भाई कब आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इतना कंप्लीट हो चुका है, इतने में तो आपको कहीं डाउट नहीं है, हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आपको यहाँ एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा जिसका नाम है कंट्रोल्स। तो ये जो आइडियो टैग ओपन कर रहा है इसको बीच से ऐसे थोड़ा खोलेंगे और यहाँ एक एट्रीब्यूट लिखेंगे कंट्रोल्स। जैसे इसको लिखते हो, इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक आइडियो आ चुकी है इस तरीके के बॉक्स में, ठीक है। तो MP3 बॉक्स में इस तरीके से आ चुकी है आइडियो फाइल है। अब आपको मैं एक देखिए वेबसाइट पे भी लेके जाता हूँ, चलिए यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने W3 स्कूल खोल लिया, यहाँ पे भी सेम वही फाइल है और ये भी देखिए वैसे ही आ रही है, ठीक है। इसी तरीके हम लोगों की भी फाइल आ रही है, तो आपको सेम देखिए प्रूफ भी मिल गया है कि ऐसे ही आइडियो टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ करता हूँ। अब हम लोग SPSeeker को खोल लेते हैं। खोलने के बाद में अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और एट्रीब्यूट समझने होंगे। चलिए मैं सबसे पहले इसका आपको थोड़ी सी आवाज़ सुना देता हूँ माइक को अपने हटाकर। मैं जिस सिस्टम के अंदर इस वीडियो को बना रहा हूँ मोबाइल के अंदर, उसमें मैंने अपना एक माइक लगा रखा है कॉलर माइक, उसको हटाऊंगा तब इसकी आवाज़ आएगी। तो गाइस अब हम लोग ने यहाँ पे माइक को हटा दिया है, चलिए इस आइडियो को प्ले करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि आइडियो प्ले हो रही है फिर नहीं। तो आपको ये जो ये रिज्यूम को पॉज करने का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, तब आइडियो प्ले होगी। तो ये आइडियो प्ले हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इसकी आइडियो बंद हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। तो मैंने ये क्लियर, अब ये देखिए प्ले करेंगे तो आवाज़ नहीं प्ले होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइक को लगा लेते हैं अपने, जिससे आवाज़ सही से आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे अब आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए एक और एट्रीब्यूट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एट्रीब्यूट लूप, ठीक है, लूप करके एट्रीब्यूट है, उसको यूज़ करना सीख लेते हैं। ये सारे मैंने आपको वीडियो टैग में बता रखे हैं, पर अगर आप नए आए हो तो आपके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। लूप जैसे ही लगाओगे तो ये आप देखिए पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, 3 मिनट 10 सेकंड की लेंथ है, ठीक है। 3 मिनट 10 सेकंड पूरे होने के बाद अगर आपने लूप एट्रीब्यूट नहीं लगाया तो क्या होगा, ये होगा ये कि यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी वीडियो, ठीक है। पर अगर आपने लूप लगा दिया तो जैसे 3 मिनट 10 सेकंड पूरे होंगे फिर ये उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी जीरो से, फिर 3 मिनट 10 सेकंड जैसे पूरे होंगे ये फिर स्टार्ट हो जाएगी जीरो से। चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट तक इसको लेके आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ये देखिए पूरा होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने माइक लगाया है। देखिए जैसे पूरा हो रहा है, पूरा होने के बाद में देखिए 3 मिनट 10 सेकंड जैसे होंगे ये अपने आप फिर से 1 2 3 स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ खासियत होती है लूप एट्रीब्यूट के अंदर। लूप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एंड ना होना, फिर से स्टार्ट हो जाना। तो देखिए फिर से स्टार्ट हो गई है, और अगर यहीं पर लूप हटा देते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाती। तो चलिए लूप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको म्यूटेड एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। म्यूटेड से क्या होता है कि अभी जैसे कि अभी आप इसको प्ले करोगे तो उसकी आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अभी आवाज़ खुली हुई है। पर जैसे ही आप यहाँ पे म्यूटेड लगा दोगे, म्यूटेड एट्रीब्यूट लगा दोगे, फिर इसको जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे पहले इसकी आवाज़ ऐसे बंद होकर आएगी, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तब आवाज़ आएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। इसके लिए भी मुझे अपने कॉलर माइक हटाना होगा, फिर आप समझ पाओगे। तो मैंने माइक हटा दिया कॉलर माइक। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा म्यूटेड एट्रीब्यूट। सबसे पहले इसको प्ले करते हैं, ये देखिए अभी साउंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे म्यूटेड लगा दूंगा, बस आपको लिखना होता है MUTED म्यूटेड, और अब इसको प्ले करेंगे जैसे ही, तो देखिए इसका आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? म्यूटेड लगाने से इसकी आवाज़ यहाँ देखिए बंद हो चुकी है, ऑफ हो गई है, ठीक है, ऑफ हो गई है। तो आप जैसे इसको जब आप हटाओगे तब आपकी आवाज़ आना स्टार्ट होगी। ये चीज़ आप समझो कि म्यूटेड एट्रीब्यूट से आपका क्या होता है कि आवाज़ ऑफ हो जाती है जनरली। अब इतना आपको समझ में आ गया है, चलिए कुछ और एट्रीब्यूट्स आपको मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे एक अगर एट्रीब्यूट की हम लोग बात करें तो एक ऑटो प्ले नाम का भी बहुत ही फेमस एट्रीब्यूट होता है। कुछ अगर आप अदर चैनल्स पे देखोगे तो ऑटो प्ले इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, पर वो वीडियोस हो चुकी हैं पुरानी। अब ऑटो प्ले जो अभी का समय है, जब अभी ये वीडियो शूट हो रही 2022 में सितंबर में, ठीक है, सितंबर 4 में ये शूट हो रही है,
और ये 2022 में। तो ये ऑटो प्ले एट्रीब्यूट अब काम नहीं करता है, जो भी ब्राउजर्स हैं इसको निगलेक्ट कर दिए हैं, इसको यूज़ नहीं करने देते हैं, मतलब मना करते हैं कि ऑटो प्ले आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऑटो प्ले बेसिकली होता क्या है कि अगर यहाँ पे म्यूटेड की जगह हम लोग ऑटो प्ले लिख देते हैं, इस तरीके से ऑटो प्ले लिख दिया, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली ये प्ले होने लगता बिना पॉज, जब तक अभी पॉज है फिर ये अपने ऑटोमेटिक प्ले हो जाता। तो ये अब काम नहीं करता है, जिसको बताने का कोई भी मकसद नहीं था, पर मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको बता दिया। इतना आपका हो गया, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि SRC एट्रीब्यूट बताया मैंने, SRC बताने के बाद में SRC क्या है ये देखिए, SRC जिसमें लोकेशन दी जाती, फिर कंट्रोल्स बताया, कंट्रोल्स बताने के बाद मैंने आपको लूप बताया, लूप बताने के बाद मैंने आपको म्यूटेड बताया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं। अब एक लास्ट है, मैं आपको प्री लोड बताता हूँ, ठीक है। प्री लोड एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू होती हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक होती है आपकी ऑटो, एक होती है नन, एक होती है मेटा डाटा। ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो टैग में, ठीक है। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अब देखिए अभी इसको प्ले कर रहे हैं तो ये देखिए म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है, और इसको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लेबैक स्पीड का और डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी ऑप्शन में आ रही हैं, पर जब आप मान लीजिए इसको भी डेस्कटॉप मोड पे खोल लेते हैं तो ये देखिए प्लेबैक स्पीड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं प्री लोड, तो प्री लोड लगाने के बाद हम लोग रखते हैं सबसे पहले ऑटो, ठीक है। तो ऑटो पे रखोगे तो जैसे आ रहा सेम वैसे ही आएगा, ऑटो हटा कर अगर यहाँ पे नन कर दोगे, ठीक है, तो नन करने के बाद इसके कंट्रोल पहले लोड नहीं होते हैं। अभी देखिए जो वीडियो कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है ये भी लोड नहीं हुआ है, म्यूजिक वाला ऑप्शन भी नहीं लोड हुआ है, ठीक है। इतने ऑप्शंस यहाँ पे लोड नहीं हुए हैं, जब आप इसको प्ले करोगे तब ये लोड होंगे, देखिए अब ये लोड हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता क्या कि यूज़र के लिए होता है कि जब यूज़र प्ले करे तभी ऑप्शन आए, ना प्ले करे तो ऑप्शन ना आए, ये प्रीलोड का यूज़ है, ठीक है। ऑटो का पता है, ऑटो में जैसा होता है वैसे ही आता है, नन में नहीं आता है। मेटा डाटा समझ लेते हैं, मेटा डाटा, ठीक है, METADATA मेटा डाटा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फ़र्क तो पता नहीं चलेगा, पर जो ये आइडियो की इन्फॉर्मेशन होती है पहले इसको आपका जो ब्राउज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेगा, फिर इसको प्ले करेगा, तो उसमें आपको तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आएगा, पर ये काम बैकएंड में होगा अगर आप मेटा डाटा लगाते हो तो। तो इतना समझो कि जो आपका प्री लोड एट्रीब्यूट मैंने बताया ये कोई खास यूज़ तो नहीं होता है, पर मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मैं कंप्लीट आपको चीज़ें यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपको प्री लोड में टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको शायद समझ में ना आया हो कुछ लगाओ कि यार ये क्या चीज़ है, तो आप इस पर ध्यान ना दो, आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट पे, SRC पे ध्यान देना है, लूप पे ध्यान देना है, आपको म्यूटेड पे ध्यान देना है, बस इतने पे आप ध्यान दे लो, जो बहुत ही सरल भी हैं और आप समझ गए होंगे। आई होप आपको इस कंप्लीट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके में एक आइडियो को अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। कल की वीडियो में बताया था किस तरीके की वीडियो को अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट आ गई हैं। HTML कोर्स में काफ़ी चीज़ें आपको अब आने लगी हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस घर पर किया करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाए जनाब। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अगर आप इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।